आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर या अदर लैंग्वेजेस के अंदर आप फैबोनिक सीरीज को किस तरह से बनाते हैं। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसी तरह से बनती है, बस सिंपल आपका जो डिफरेंस होता है वो ये है कि उनके जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो अलग से बनते हैं, दैट्स इट। बाकी लूप तो वही है जो आप बनाते हैं, सिंटैक्स चेंज होता है, आपकी सीरीज यही होती है। एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको हम परफॉर्म करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ लॉजिक ऑफ स्टूडेंट, या किसी भी स्टूडेंट की लॉजिक को बेहतर बनाने के लिए आप ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, यहां पे आते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम फॉर एग्जांपल ए रख देता हूं, फिर वेरिएबल बी बना देता हूं जिसकी जो वैल्यू है वो 1 दे देता है। आई हैव क्रिएटेड टू वेरिएबल्स ए और बी, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सही है। उसके बाद मैं इनको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट ही करवा दूंगा कि ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू क्या है जी, ये। ये करने के बाद मुझे क्या करना है, अब मैं लूप चलाऊंगा। क्या चलाएंगे, लूप। फॉर एग्जांपल अभी के लिए अगर देखा जाए तो आपने दो वेरिएबल बनाए, एक की वैल्यू रखी 0, दूसरे की वैल्यू रखी 1, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसको प्रिंट करवा दिया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक लूप बना देना है। अब वाइल लूप के थ्रू करें, डू वाइल के थ्रू करें, फॉर लूप के थ्रू करें, आपकी मर्जी है। हम फॉर लूप के थ्रू इसको परफॉर्म करते हैं। तो फॉर लूप, उसके बाद आपने वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल। अच्छा, अब वेरिएबल किस नाम से बना देंगे, मैं बना देता हूं सी के नाम से, और सी वेरिएबल की वैल्यू मैं 0 रख देता हूं या 1 रख देता हूं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर आके सी वेरिएबल जब तक छोटा है और इक्वल है, अब जब तक आप लूप को चलाना चाहते हैं आप चला दें, 20 तक, 10 तक या 15 तक, आपकी मर्जी है। उसके बाद सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहना है, दैट्स इट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, सही है। कि क्या करो, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओ सी के नाम से, और सी की वैल्यू जब तक छोटी है 10 से, तब तक सी के अंदर इंक्रीमेंट करते रहनी है। फिर लूप की ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, दैट्स इट, सही है जी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक सिंपल सा काम यह करना है कि यहां पे आके एक वेरिएबल सी भी बना देना है जो अभी हम इस लूप के अंदर, सॉरी डी, इसको लूप के अंदर हम यूज करेंगे। कौन सा क्लियर है, अभी डी की कोई वैल्यू नहीं है। अब एक चीज नोट कीजिएगा बेटा, ये वाला जो वेरिएबल है ना लूप का, इस सीरीज को बनाने के लिए कहीं यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है, जैसे होता है ना कि सी की ही वैल्यू या ए वेरिएबल बनाते हैं तो ए की ही वैल्यू लूप पे रिपीट करवाते हैं, तो आपका ये लूप सिर्फ 10 तक चलेगा, दैट्स इट। जो रिपीट होंगे वो लूप की रिपीटेशन तो हो रही होगी, लेकिन इसके अपने वेरिएबल की कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इसका मकसद ये है कि जो इसका सी का वेरिएबल है ना, वो इस सी के वेरिएबल को हम इस सीरीज बनाने के अंदर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। कौन सा क्लियर है, सी का वेरिएबल लूप का वेरिएबल है जिसका काम है सिर्फ रिपीट करवाना लूप 1 से लेकर 10 तक, दैट्स इट। अब रिपीट किसको करवाना है, आपकी मर्जी है ना, आप किसी और वेरिएबल, किसी और स्ट्रिंग, किसी और चीज को रिपीट करवाते, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां पे आके क्या करूंगा, मैं सिंपल यहां आऊंगा और यहां पे आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो सी, सॉरी डी का वेरिएबल है, मैं उसको प्रिंट करवा देता हूं। डी का वेरिएबल क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। अब आप बोलेंगे डी के वेरिएबल को आपने वैल्यू तो दी नहीं है, है ना, तो बेटा ये कुछ लॉजिक इस तरह से सेट होगी। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसको यहां पे आके एग्जीक्यूट करना है। तो आपको इस तरह से चीजें बता देगा कि यार डी तो अनडिफाइंड है, आपने अभी तक डी बनाया ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपने डी को बाहर बनाया है, आप यहीं भी बना देते तो कोई फर्क नहीं था कि लूप के अंदर आप एक डी का वेरिएबल बना देते इस तरह से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मैं यहां पर आके डी को बेशक प्रिंट तो करवा रहा हूं, आपके माइंड में होता कि यार शायद सर सी को प्रिंट करवाते,
तो बेटा मैंने कहा इस सीरीज को बनाने के लिए जो लूप का वेरिएबल अपना है ना सी, वो कहीं पे भी जाके प्लस माइनस डिवाइड नहीं होगा। ये जो तीन वेरिएबल है ना ए बी और डी, यही सिर्फ रिपीट होते रहेंगे, सी कहीं भी जाके क्या नहीं होगा, यूज नहीं होगा इस पूरी सीरीज को बनाने के लिए। होगा क्या, मैं चाहता हूं डी को इक्वल करके यहां ए प्लस बी करवाया जाए। अब ए जो आपका ऊपर है बना हुआ, ए की वैल्यू क्या है जीरो, बी की वैल्यू क्या है वन, तो यहां आके देखो आपका होगा क्या, ए की वैल्यू है जीरो और बी की वैल्यू है वन। अब ये दोनों जब जुड़ेंगे तो डी को क्या मिलेगा, जीरो प्लस वन वन, तो अब डी क्या प्रिंट करेगी, वन प्रिंट कर देगी और उसके साथ एक स्पेस भी प्रिंट कर लेगी। सेव करते हैं, यहां आते और देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। अब आप देखिए वन वन रिपीट हो रहा है, ऐसे ही है ना, लेकिन मुझे आप ऐसा समझ लें कि यहां तक तो सीरीज मिल गई है जो मुझे चाहिए, अब आगे देखना है। तो बेटा इसके लिए मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग करनी पड़ेगी, या एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को देनी पड़ेगी और दूसरे की वैल्यू तीसरे को देनी पड़ेगी। सही है, अब किस तरह से देखें, मैं क्या करूंगा, ए को असाइन कर दूंगा बी और बी को असाइन कर दूंगा डी। सिर्फ ये करने से आपकी वो सीरीज मिल जाएगी जो आपने सोची हुई एज इट इज फाइबोनिक सीरीज। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये हुआ कैसे, ठीक है इसको समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहले देखें, जब यहां से लूप का वेरिएबल चला तो लूप का सी वेरिएबल तो कहीं पे भी ना प्रिंट हो रहा है, ना एड हो रहा है, ना इक्वल हो रहा है, ना स्वैप हो रहा है, ऐसे ही है ना, बस सी का वेरिएबल क्या कर रहा है, वन से लेकर टेन टाइम लूप को रिपीट करेगा, दैट्स इट। रिपीट हो कौन रहे हैं, यही वेरिएबल जो बाहर बनाए हुए थे। सही है, अब बात करते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू थी जीरो, बी की थी वन। जब आप नीचे आए तो ए को बेटा आपने क्या असाइन किया, बी, तो बी की वैल्यू थी वन और वो किसको असाइन हो गई, ए को। सही है, और बी जब आपने अभी प्रिंट करवाया तो बी की वैल्यू भी थी वन, तो आप सॉरी डी की वैल्यू, डी जब आप प्रिंट करवा रहे हैं तो डी की वैल्यू वहां पे क्या आ रही, वन आ रही है। ऐसे ही है ना, सिंपल है, ए की वैल्यू जीरो थी फर्स्ट टाइम, बी की वैल्यू वन थी, आपने जब जोड़ के ये डी को दिया तो डी हो गई प्रिंट, जो वन आपको यहां नजर आ रहा है, दिस वन। सही है, उसके बाद आप नीचे आए और आपने ए को बी दे दिया और बी को डी दे दिया। अब ए को जैसे ही आपने बी दिया तो बेटा बी की वैल्यू वन थी, बी की वैल्यू क्या थी वन, जो किसको असाइन हो चुकी है अब ए को, और डी की वैल्यू क्या थी वन, जो कि आप किसको असाइन कर रहे हैं बी को। अब जब लूप रिपीट होगा और टॉप से जब नीचे आएगा तो यहां पे अब ए की वैल्यू जीरो नहीं रही, अब क्या हो गई है वन, और बी की वैल्यू भी क्या हो चुकी है वन, और वन प्लस वन क्या हो जाएंगे बेटा टू, और आपके वो टू किसको असाइन हो जाएंगे डी को, यानी डी की वैल्यू अब आउटपुट में क्या आनी चाहिए टू। यहां आओ देखो आपको टू मिल गया, ये देखें टू मिल गया आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब फिर से आपने क्या करना है, स्वैपिंग करनी है, ए को फिर से बी देना है, बी की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम बेटा वन, तो ए को फिर से वन ही मिला और बी को अब वन नहीं मिला क्योंकि बी को हमने डी दी हुई है, बी को क्या दी हुई हमने डी, और डी अभी जो प्रिंट हुई तो उसके पास क्या था टू था, इसका मकसद बी को अब क्या मिल गया टू मिल गया। ऐसे ही है, अब फिर से लूप रिपीट हुआ, ऊपर आया, अब फिर से ए प्लस क्या होना है बी होना है, तो ए की वैल्यू बेटा क्या थी वन और बी की वैल्यू क्या थी टू, तो ए प्लस बी करवा दी, वन प्लस टू कितने हो गए बेटा थ्री, अब वो डी फिर से क्या प्रिंट कर लेगा थ्री प्रिंट कर लेगा, तो आपको आउटपुट में यहां पे थ्री नजर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्वैपिंग सिंपल है बेटा, आपके पहले वाले जो दो नंबर हैं ये जुड़ के तीसरा नंबर मिल जाता है। सही है, फिर इसका प्रीवियस वन, जैसे ये वन और ये वन जब जुड़ते हैं तो आपको नया डिजिट मिलता है। सही है, फिर जो नया डिजिट मिला
उसके प्रीवियस वन यानी इसको वन और प्लस टू करेंगे तो आपको मिलेगा थ्री, फिर थ्री का जो लेफ्ट साइड डिजिट है वो कौन है, टू है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, नया डिजिट मिलेगा। तो प्रीवियस नंबर के साथ जोड़ो वो करंट डिजिट तो आपको नया डिजिट मिल जाता है। ये आपकी फाइबोनैची सीरीज है जिसको यूज करते हैं। ठीक है जी, ये था आपका फाइबोनैची सीरीज।